लोकसभा सीट भदोही से इंडिया गठबंधन से टीएमसी उम्मीदवार ललितेशपति त्रिपाठी ने शनिवार को अपना नामांकन निर्देशन दाखिल किया है। कलेक्ट्रेट परिसर ज्ञानपुर पहुंचकर उन्होंने नामांकन पत्र प्रस्तावक और समर्थकों के साथ दाखिल किया। 25 मई को छठवें चरण में भदोही लोकसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। भदोही में बीजेपी से डॉक्टर विनोद बिंद और बसपा से हरिशंकर उर्फ दादा चौहान चुनाव मैदान में हैं। वहीं अब तक करीब आधा दर्जन निर्दलीय एवं क्षेत्रीय दलों से भी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इससे पूर्व 3 मई को इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के समर्थन में नामांकन रैली भी आयोजित हुई, जिसमें भारी भीड़ उमड़ी थी। मीडिया से बातचीत में ललितेशपति त्रिपाठी ने कहा कि यह चुनाव मैं नहीं बल्कि यहाँ की जनता लड़ रही है। हम अपनी जीत को लेकर पूरी तरह स्वस्थ हैं और टीएमसी और इंडिया गठबंधन की यहाँ बड़ी जीत होने जा रही है। जनता बीजेपी को भगाने का काम करेगी और कहा कि हमारी रणनीति व तैयारी पुख्ता है। आगे सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। देश की संसद में आवाज उठाने का काम करने वाला जनप्रतिनिधि की मांग है इस संसदीय क्षेत्र में, और एक ऐसा जनप्रतिनिधि भदोही की जनता मांग रही है जो उनके बीच में रहे। मैं उनको यही वचन दूंगा कि जिस तरह से मडिहान में मैं जनता के बीच में रहा करता था, उसी तरह से मैं भदोही में ही रहूंगा, भदोही की जनता के हर दुख दर्द में उनके साथ शामिल रहूंगा। दादा चौहान ने कहा कि जो बसपा प्रत्याशी हैं कि स्थानीय बनाम बाहरी के बीच ये चुनाव होगा, उस पे क्या कहें? चलिए अब वो लड़ाई होगी। मुझे नहीं लगता है कि जनता सबसे योग्य उम्मीदवार चुने, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। और मैं भी कहीं से बाहरी नहीं हुई, बनारस जिले का हिस्सा था, परिवार यहीं पे बसा हुआ है, और जिस तरह के नाते और संबंध, चाहे वो प्रतापपुर से हो, चाहे वो हंडिया से हो, और चाहे भदोही जिले के कोने कोने से जिस तरह के रिश्ते और नाते हम लोगों के हैं, वो पीढ़ियों पुराने हैं। कल आपने नामांकन नहीं किया, सिंबल को लेकर के मंथन था क्या? नहीं, कोई मंथन नहीं था। कल हम लोग की बड़ी सभा हुई थी, और अगर सभा से जैसे आप देख रहे हैं 10 प्रस्तावक को मुझे परिषद ले जाना है, अगर मैं 30 बड़े नेताओं को उस मंच से हटा देता, मैं खुद उस मंच से हट जाता, और 1-1.5 घंटे की प्रक्रिया जैसे आप देख रहे हैं लग रहा है, तो फिर वो सभा जो है वो बेमजा हो जाती। तो इसलिए हम लोग ये निर्णय लिया कि आज हम लोग पर्चा भरेंगे।